Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Prachi, the girl with girl. So guys, चलिए थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं क्योंकि हम हैं नवाबों के शहर लखनऊ में. जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो ना कि सिर्फ अपनी तमीज़ और तहजीब के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ पे जो फेमस खाने हैं, यहाँ का आर्किटेक्चरल, ऐतिहासिक जगहें, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्वियसली चिकनकारी कुर्ती का काम, मतलब वो तो कैसे ही भूल सकते हैं. तो चलिए आज हम देखते हैं अपना एक प्यारा सा दिन, और जिसमें हम जानते हैं लखनऊ को थोड़ा और करीब से, थोड़ा और खूबसूरती के साथ. तो गाइस, अभी फ़िलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जगह है चारबाग. ये है रेलवे स्टेशन लखनऊ का, एंड दिस रेलवे स्टेशन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया. यही नहीं यार, इस रेलवे स्टेशन को ISO 901 का गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी मिला है. कैन यू इमेजिन, मतलब उस जगह को देखते ही ऐसा, मतलब हिस्टोरिकल वाली फीलिंग आती है कि हमारे पुरानी जो क्या कहते हैं उसे, एक विरासत है, वो कितनी ही प्यारी है, कितनी ही खूबसूरत है. तो जब भी आप लखनऊ आना प्लान करते हैं, तो गाइज़ यहाँ पे दो लखनऊ बसते हैं, एक पुराना लखनऊ, एक न्यू लखनऊ. तो जो न्यू लखनऊ है वो थोड़ा सा डेवलप्ड वाला है, और पुराने वाले में आपको मॉन्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें मिलती हैं. जैसे कि अभी हम यहाँ पे आ गए हैं बड़ा इमामबाड़ा में. जी हाँ, जो बड़ा इमामबाड़ा है, ये एक बहुत ही प्यारी जगह है. अगर आप कोई भी ऐसा दिन प्लान कर रहे हैं, क्या पिकनिक प्लान कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों को हिस्ट्री से रूबरू कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आइए और उन्हें घुमाइए यहाँ पर. जब आप इमामबाड़ा आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगी, जैसे कि भूल भुलैया मस्जिद एंड शाही बावली एज़ वेल. तो कहा यह भी जाता है कि इमामबाड़ा में एक भी वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ है. जो बीम वर्क है उसमें इन्होंने एक भी वुड यूज़ नहीं किया है. एंड द बेस्ट थिंग इज़, जो इमामबाड़ा बनाने के पीछे मकसद था, बहुत ही नोबल कॉज की वजह से इमामबाड़े को बनाया गया था. उस टाइम पे 17th सेंचुरी में, जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उस टाइम के जो नवाब थे, नवाब असफ़ुद्दौला, उन्होंने ये स्टार्ट किया. उन्होंने कहा कि हम ये बनवाते हैं जिसकी वजह से रोज़गार मिलेगा लोगों को, एंड रोज़गार मिलने की वजह से वो कम से कम खाना खा पाएंगे. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड जब आप भूल भुलैया जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक गाइड बिल्कुल लेना चाहिए अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि 1024 चैम्बर्स हैं, लाइक 1024 चैम्बर्स हैं, एंड सिर्फ दो गेट हैं बाहर निकलने के. एंड जब आप अंदर जाते हैं, तो लिटरली ऐसा फील होता है कि आप खो जाएंगे उसके अंदर. एंड दिस होल प्लेस इज़ जो बना है, वो पूरी जो घर का राशन होता है, जैसे कि दालें हो गई, और जैसे चोकर कहा जाता है, आटा कहा जाता है, उसका मिक्स करके इन्होंने एक मिक्सचर बनाया है. उस चीज़ से ये पूरी इमारत बनी है. तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरी भूल भुलैया की लेन है जहाँ से आप जाते हैं. कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे एक सुरंग भी निकलती है, जो कि एक सीक्रेट पैसेज है, गोमती रिवर के लिए वो जाती है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जुड़ी हैं यहाँ से. तो अगर आप प्लान करते हैं, तो यहाँ का टाइमिंग्स है 6 to 5, ईज़िली आप जा सकते हैं. एंड जो टिकट प्राइस है वो है 50 rupees पर पर्सन एंड 25 फॉर चिल्ड्रन. सो इट्स रियली कूल. आप एक अपनी अपकमिंग, जो भी कह सकते हैं, एक छोटी ट्रिप प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या एक बहुत प्यारा सा अपना कोई फ़ोटोशूट या कवर प्लान कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत ही प्यारी जगह है. ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है उर्मी दरवाज़ा. एंड ये दरवाज़ा भी जो है, एक काइंड ऑफ एंट्रेंस नवाब्स के टाइम पे बना था, कि उन्होंने ये इमेजिन किया था, ये हमारे उसका
इमामबाड़ा का हमारी सेना के लिए एक एंट्रेंस होगा। तो नवाब्स के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना ही होगा। मेरे कैब वाले भैया ने मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी नवाब्स के बारे में, जो मैं आपको शेयर करूँगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ब्रिटिशर्स से नवाब की लड़ाई हो रही थी तो पूरी सेना को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, एंड एंड टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ नवाब लोग बैठे थे अपने सिंहासन पर, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने आके उनसे पूछा कि भैया अब सबको तो हमने हरा दिया है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो नवाब ने जवाब दिया, हम उठ तो जाएं यहाँ से, लेकिन हमको किसी ने आके अपनी चप्पल ही नहीं पहनाई है। तो उस स्टोरी से आप समझ सकते हो, इवन मतलब मुझे तो इतना समझ में आया उस स्टोरी से कि भाई नवाब नवाब लोगों की नवाबियत कहीं नहीं गई है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक नवाब्स ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन वो अपने सिंहासन से सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे थे क्योंकि उन्होंने किसी ने उनको आकर चप्पल नहीं पहनाई थी। मुझे तो इस स्टोरी को सुनने में बहुत मज़ा आया था, जिस तरीके से कैब वाले जो भैया थे मुझे सुना रहे थे। तो अदर थिंग गाइस, अगर आप यूपी आ रहे हैं और पान नहीं खाया है तो फिर क्या ही यूपी आ रहे हैं, राइट? तो आप जब भी यहाँ पे आइए, प्लीज़ पान ट्राई ज़रूर करिएगा। लाइक इन दिल्ली, यहाँ पे भी आपको फायर पान, मलाई पान बहुत खाने को मिलेगा, और ट्रस्ट मी, इट्स रियली अ वर्थ, यू शुड ट्राई इट। तो अभी हम आ गए हैं तंबुलाम पान कैफ़े में, जो कि है पराग रोड पर। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ के पान मिलेंगे। द वन आई एम ट्राइंग हेयर इज़ फायर पान। अदर थिंग इज़, यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट क्यूट नोट्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खाकर अपना ओपिनियन दिया है कि यार व्हाट एग्जैक्टली उनका व्यू था पान को खाने के बाद, राइट? तो आप ये भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग इफ़ यू आर प्लानिंग योर विजिट इन लखनऊ। नेक्स्ट थिंग यू कैन चेक आउट द अनदर थिंग विच वी कॉल्ड क्लॉक टावर और घंटा घर, जो कि हर शहर में ही होता है। तो जो क्लॉक टावर है, ये भी कहा जाता है कि टॉलेस्ट टावर है ये इंडिया का, और इसको हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी कहा जाता है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो एक बहुत ही प्यारा सा मॉल भी है यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड प्लासियो मॉल। You can discover it. It's really amazing. Other thing we have Bawli here, the Shahi Bawli. यहाँ पे water store करने के लिए नवाब्स के time पे बनाई गई थी। The next you can try शर्मा जी की चाय, guys. This is kind of a 50 years tea stall पुराना है ये। तो आप जब भी लखनऊ जाएं, इसे ज़रूर try करें। This is kind of a must try thing, guys. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना डे ज़रूर प्लान कीजिएगा लखनऊ में। थैंक यू।